पीएम मोदी ने पाकिस्तान को दुनिया में अलग थलग कर दिया। आखिरकार भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने अपनी हार मान ली है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद से ही पाकिस्तान दुनिया के सामने मदद की भीख मांग रहा है, लेकिन उसके कंधे पर हाथ रखने के लिए कोई भी देश तैयार नहीं है। दुनिया भर में फजीहत के बाद अब पाकिस्तानी पीएम इमरान खान अपने ही देश में घिर गए हैं। वहां के विपक्षी दल इस फजीहत के लिए इमरान खान और इमरान सरकार की नीतियों को जिम्मेदार बताने में जुट गए हैं। दरअसल पाकिस्तान के मुख्य विपक्षी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इमरान सरकार पर बड़ा हमला बोला है। पीपीपी का कहना है कि सरकार की गलत नीतियों और भारत सरकार की बेहतर कूटनीतिक सफलताओं के चलते पाकिस्तान दुनिया में अकेला पड़ गया है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पीपीपी ने इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ सरकार के एक साल पूरे होने पर हाल ही में एक श्वेत पत्र जारी किया है। एक साल पूरे होने पर इमरान सरकार ने इसे तब्दील का एक साल बताया है, तो वहीं पीपीपी ने इसे इस साल को तबाही का एक साल करार दिया है। अपने श्वेत पत्र में पीपीपी ने कहा, बीते एक साल में पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी कमजोर हुआ है। अपने 112 पन्नों के श्वेत पत्र में पीपीपी ने इमरान खान और उसकी सरकार को सिलेक्टेड सरकार बताया है। वहीं सरकार पर पिछले एक साल में वादा खिलाफी और खराब नीतियों के सभी रिकॉर्ड तोड़ने पर भी आरोप लगाए हैं। पीपीपी ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने कहा है कि वो कर्ज के लिए IMF नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इमरान ने IMF से कर्ज लिया है। पाकिस्तान में मीडिया पर कई तरह की पाबंदी लगा दी गई है। देश में गरीबी और महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। पीपीपी चेयरमैन बिलावल भट्टो जरदारी ने कहा कि इमरान सरकार ने एक साल के अंदर देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। देश की अर्थव्यवस्था IMF के पास गिरवी है, जबकि राजनीतिक स्तर पर पाकिस्तान दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।